स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट। ठीक है, काफ़ी लोगों के मन में सवाल चल रहा था रिगार्डिंग अ ट्वीट मेड बाय अवर एजुकेशन मिनिस्टर उदय सामंत जी। ठीक है, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि शायद से सीईटी के एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो सकते हैं और वो होंगे अभी अगस्त मंथ में। ठीक है, तो उसके बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया था, बट अभी ये नोटिस यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, तो आपके एग्जामिनेशन अभी पोस्टपोन हो रहे हैं, तो पोस्टपोन हो रहे हैं बट अभी कब होने वाले आपके एग्जामिनेशन, अगर हम 5 ईयर्स की ये पर्टिकुलरली हम यहाँ पे ओपन करते हैं। ठीक है, अगर हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे नोटिस नंबर 5 दैट इज थर्ड एक्सटेंशन टू सीईटी फॉर्म फिलिंग यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, यू आर सपोज टू ओपन दिस, ये आप ओपन करते हो तो ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलता है दैट अपडेटेड सीईटी फॉर्म फिलिंग एंड एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर हायर एजुकेशन सीईटी 2022-23, यानी कि ये साल का। ठीक है, तो क्यों एग्जाम अभी पोस्टपोन किया जा रहा है उसका यहाँ पे रीजंस है कि शेड्यूल ऑफ JEE मेंस सेशन 1-2, प्रपोज्ड एक्सपेक्टेड डेट्स ऑफ JEE एडवांस्ड, नीट एग्जामिनेशन, ये सब की वजह से आप लोगों का जो सीईटी एग्जामिनेशन का शेड्यूल था, ठीक है, उसको हम पोस्टपोन कर रहे हैं, ये यहाँ पे उन लोगों ने फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है। सो अकॉर्डिंगली फॉर्म फिलिंग जो अभी चल रहा था ऑलरेडी वो भी एक्सटेंड हुआ है। थर्ड एक्सटेंशन आप लोगों को मिला है वो 22 तारीख तक का है, LLB 5 ईयर्स की बात करें तो। ठीक है, यानी कि अभी आप 22 जून तक, ठीक है, 22 जून तक आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हो, और अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप 22 जून तक फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, और हॉल टिकट आपका इशू किया जाएगा जुलाई मंथ में, दैट इज 15 जुलाई, एंड आपका एग्जामिनेशन होगा 2nd of August को। ठीक है, तो यहाँ पे 5 ईयर्स का पूरा जो शेड्यूल था वो चेंज हो चुका है अभी, एंड जो जून में एग्जामिनेशन होने वाले थे वो अभी पोस्टपोन होके सीधा अगस्त में होगा। ठीक है, तो नाउ इट हैज़ बीन पोस्टपोन एंड द एग्जामिनेशन फॉर 5 ईयर्स LLB विल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। ठीक है, 2nd August को यहाँ पे किया जाएगा एग्जामिनेशन। और अगर LLB 3 ईयर्स की बात करें तो LLB 3 ईयर्स का फॉर्म फिलिंग जो चल रहा था वो अभी वापस एक्सटेंड किया जाएगा और वो चलेगा 13 जुलाई तक। ठीक है, सॉरी 22nd of June तक चलने वाला है फॉर्म फिलिंग, एंड 13 जुलाई को यहाँ पे आपका आएगा हॉल टिकट, एंड आपका एग्जामिनेशन होगा दैट इज 3rd and 4th of August। तो अगर हम बात करें 5 ईयर्स की, तो 5 ईयर्स है 2nd August को एंड 3 ईयर्स है 3rd and 4th August को। तो अभी आपके एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो चुके हैं, इसका ये ऑफिशियल नोटिस है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप नीचे देखते हो तो सभी चीज़ें डिटेल में दी गई है, बट पॉइंट यही है कि अभी आपके एग्जामिनेशन जो ओरिजिनली जून मंथ में होने वाले थे वो अभी सीधा 1 मंथ से भी ज़्यादा पोस्टपोन हो चुके हैं। अभी आपको क्या करना है कि आप लोगों को आपका प्रिपरेशन चालू रखना है, एंड अभी जो एक्सटेंशन मिला है उसको ज़्यादा आपको बेनिफिट हो, यानी कि आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओ, वैसा आपको देखना है। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व मोर मॉक पेपर्स सो दैट यू गेट हैबिचुएटेड टू द एग्जाम पैटर्न। ज़्यादा कंसेप्ट अगर आपके क्लियर नहीं है तो आप वो भी कर सकते हो क्लियर। ठीक है, तो मेक श्योर यू रीड everything very properly, because since the examination is getting postponed there is a probability that the students also may increase this year and you get tough competition compared to last year. Okay, so be prepared well for the examination. Aur ye jo extension aapko mila hai form filling ke liye, agar aapne form nahi bhara hai, agar aap soch rahe ho ki main form bharu ki nahi, to form bharne ki last date 5 years or 3 years dono ki 22nd of June ko hai. Theek hai, aur 22nd जून तक आपको ये फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, तो मेक श्योर यू फिल द फॉर्म इफ यू विश टू गिव द एग्जामिनेशन। ठीक है, एंड दैट्स इट गाइस, दिस इज वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट विच इज टू बी गिवन टू यू गाइस, एंड स्टे अपडेटेड ऑन आवर यूट्यूब चैनल टू गेट रेगुलर अपडेट्स रिगार्डिंग MHCET लॉ 3 ईयर्स एज वेल एज MHCET लॉ 5 ईयर्स एग्जामिनेशन, एंड इफ देर इज एनी फर्दर नोटिस रिगार्डिंग एग्जामिनेशन और एनी अदर थिंग देन अपडेट रिगार्डिंग द सेम विल बी पोस्टेड ऑन आवर यूट्यूब चैनल. So kindly subscribe to our YouTube channel for regular updates. Thank you so much, guys.